भैया बहनों, आज हम मेहंदी की वेला में आपको भारतीय त्योहार रक्षाबंधन के विषय में जानकारी देंगे। कृपया सभी भैया बहन ध्यान पूर्वक सुने और समझें। आज का शीर्षक हमारा रक्षाबंधन। प्रस्तावना। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक है। यह हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में गिना जाता है। भाई बहन के स्नेह का प्रतीक ऐसा त्योहार विश्व के किसी भी देश में नहीं मनाया जाता है। यह त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन बड़े उत्साह के साथ मनाए जाने के कारण इसे श्रावणी के नाम से भी जाना जाता है। रक्षाबंधन मनाने की रीति। भैया बहनों, इस त्योहार के साथ एक पौराणिक घटना जुड़ी है। कहा जाता है कि एक बार देवताओं और दानवों की भीषण लड़ाई हुई। देवता हार रहे थे तथा दानव जीत रहे थे। यहां तक कि इंद्र भी पराजित होकर अपनी राजधानी छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे थे। तब इंद्र की पत्नी सचि ने देवताओं को राखी बांध दी थी। प्रणाम सर्व। देवता हारे हुए युद्ध को पुनः जीत गए। तभी से इन रक्षा सूत्रों के महत्व को मनाया जाता है। ये सूत्र बांधने वाले और बंधवाने वाले दोनों को प्रेम के पवित्र अटूट बंधन में बांध देते हैं। कुछ ऐतिहासिक घटना। जब बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, तब मेवाड़ की महारानी ने अपनी सहायता के लिए मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी थी और हुमायूं उसके राज्य की रक्षा के लिए अपनी सेना लेकर तथा अपना युद्ध छोड़ करके मेवाड़ आया था। मुसलमान होते हुए भी हुमायूं ने हिंदू मुस्लिम एकता को बल दिया तथा कहते हैं कि विश्व विजय सिकंदर के प्राणों की रक्षा के लिए उसकी प्रेमिका ने राखी का कूटनीतिक स्तर पर प्रयोग किया था। उसने पुरु को राखी भेज कर सिकंदर के प्राणों की रक्षा की। एक बार श्री कृष्ण की मुंहबोली बहन सुभद्रा ने भी अपनी साड़ी का दुपट्टा फाड़ करके भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई थी। अतः हाथ में मार उसकी रक्षा के लिए उसको हाथ में धोती के दुपट्टे को बांध करके उनकी रक्षा की थी। बताते हैं भगवान श्री कृष्ण ने भी द्रौपदी की अंतिम समय तक रक्षा की, मनाने की। रक्षाबंधन के अवसर पर बाजार रंग बिरंगी राखियों से सजा होता है। वे दुकानें दुल्हन की तरह लगती हैं। रक्षाबंधन के दिन प्रातःकाल भाई बहन के मस्तक पर कुमकुम अर्थात रोली चावल का टीका लगाकर उनकी कलाई में
कलाई पर राखी बांधती हैं, उसकी भाई की आरती उतारती हैं, बाद में भाई को मिठाई खिलाती हैं तथा भाई बहन की रक्षा का प्रण लेता है, बहन भी उससे अपनी रक्षा का प्रण लेती है, भाई बहन की रक्षा का वचन देता है और अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे एक उपहार देता है। भैया बहनों, आज की वीडियो में इतना ही पर्याप्त। इस कार्य को कॉपी में लिख करके याद करना। जय।